क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं करूँगी। आज की वीडियो है, उसमें मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। यानी कि आज जो है मैं गोभी के पराठे बनाने वाली हूँ, और आपको दिखाऊंगी गोभी के पराठे में कैसे बनाते हैं, और गाँव में हम लोग जो है ना वो इनके कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने आग जलाई हुई लकड़ियों की, और जिस वक्त तवा है मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है, और मैं गोभी के पराठे बनाने वाली हूँ। ये देखिए, तो मैंने ना आलू गोभी का सालन बनाया था रात में, और इसमें यानी कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ना कुंडी के अंदर जो है आलू गोभी जो बारीक की हुई है, ये देखिए बिल्कुल यानी कि बारीक होगी है, पराठे में से बिल्कुल ये बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। और इसे कैसे बनाना है और रोटी कैसे बनाएंगे, तो मैं आप लोगों को भी बना के दिखाती हूँ। इस वक्त जो है हवा बहुत चल रही है, और जिसकी वजह से ना मेरी आग जो है बुझ रही है, तो मैं आपको दिखा। ये देखिए, मैंने ना ऐसे जो आटे के पेड़े किए छोटे छोटे, उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे गोल गोल टिक्की बना ली है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम जो है सालन रख देंगे, और दूसरी जो टिक्की होगी उसके ऊपर रख कर उसे बंद कर देंगे, आहिस्ता से ना इसके सारों चारों तरफ से बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बनाएंगे। मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, तरीका बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और खुद भी ट्राई करना बना के, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकती हैं ऐसे मैंने किया था। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जो ना कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्हें कि हाथ से जो है रोटी बनाना नहीं आती, वो लोग अक्सर चकने वेले पे बनाती हैं, और शायद उनसे ये पराठे वगैरह कम ही से भी बनते होंगे ठीक से, क्योंकि हाथ से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। और चकने वेले भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने कभी बनाए नहीं, इसलिए मुझे ना उसका अंदाज़ा नहीं है कि चकने वेले पर कैसे बनाए जाते हैं। मैं तो ज़्यादातर हाथ से ही बनाती हूँ, इसलिए ना हाथ से जो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है और ईजी है बनाना। ये देखिए, बिल्कुल मेरी जो है पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है, बस 10 मिनट का टाइम है उसके बाद। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल आसानी से चम्मच के साथ आप इसमें सारी यानी कि इसके अंदर जो है ना अच्छे से सालन को ना आप लोग ऐसे बिल्कुल बराबर पर रख लें, ताकि कोई भी कोना ना खाली ना रहे पराठे का जो सालन के बगैर हो, ठीक है। अच्छे से ऐसे कर दें, और उसके बाद जो है ना इसको हम लोग बंद कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ना बिल्कुल बराबर पे। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। जिनको भी इनके पराठे बनाना नहीं आते हाथ से, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से घर में बना सकती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से ऐसे बंद कर लें बिल्कुल आसानी से, आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से करना है, ताकि सालन जो वो बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा जो है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देख लीजिए, अब चारों तरफ से बंद है और कहीं से भी सालन बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसे इजी आहिस्ता आहिस्ता और हल्के हाथों से करना है ना, कि ताकि सालन जो है किसी साइड से बाहर निकल। देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पराठा जो बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं ऊपर डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना हवा की वजह से जो है ना आग जल नहीं रही मेरी, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से इनके मैं काम कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, ये देखिए मेरा पराठा जो है एक तरह से वो पक चुका है। अब इसमें मैं हल्का सा घी लगा दूंगी, क्योंकि घी लगाने से ना पराठा लाल और ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि पराठा जो आप लोग जानते हैं घी के बिना तो कभी इनके खाने वाला नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। जैसे ये लाल हो जाएगा फिर इसको मैं दूसरी साइड भी, आप लोग देख सकते हैं कि दूसरी साइड जो अभी कच्ची है, तो इसलिए मैं ना इसे इनके दोबारा से पलट दूंगी। तो फ्रेंड, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पराठा जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी है। अभी थोड़ा सा बस इसका सेक लगाना है, उसके बाद ही मैं उतार लूँगी और खाने के काबिल है, ठीक है। ये पक चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। ओके फ्रेंड, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़े ईमान में रखे, तो दुआ भी याद रखिएगा।